नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी को बिहार दिवस की दी बधाई। बिहार में निर्माणाधीन देश के सबसे बड़े पुल का गिरा हिस्सा। शिक्षा विभाग ने इंटर के छात्रों को दी बड़ी राहत। के पाठक के आदेश पर राज्यपाल ने उठाया सवाल। IPL मैच का दर्शक मुफ्त में भी ले सकेंगे आनंद। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी को बिहार दिवस की दी बधाई। आज बिहार दिवस है और इस अवसर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने सभी को बिहार दिवस की बधाई दी है। इसके अलावा बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सभी को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दी है। CM नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार निरंतर प्रगति और समृद्धि की ओर बढ़ता रहे। यहाँ के लोग एकता, भाईचारा, सामाजिक समरसता और सद्भाव को बनाए रखे। वहीं तेजस्वी यादव ने लिखा कि लोकतंत्र की जननी, अलग अलग धर्मों की हृदय स्थली, महापुरुषों की जन्म स्थली, वीरों की कर्मभूमि, गौरवशाली इतिहास और समरसता की पावन धारा बिहार है। बिहार दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। पटना में पाइप से लोगों के घर पहुंचेगा गंगा का जल। पटना में पाइप से लोगों के घर तक गंगा का जल पहुंचेगा। मनीर और पालीगंज में गंगा जल को स्टोर किया जाएगा। जल को स्टोर करने के लिए पालीगंज प्रखंड के उदयपुर गांव के पास सोन नदी के बराज का निर्माण होगा और मनेर दीघा सहित उदयपुर के पास इंटेक व्हील सह पंप हाउस बनाया जाएगा। योजना को जल्द से जल्द पूरा करने के मकसद से अगले महीने से DPR बनेगा। पटना शहर में घर घर तक गंगा का जल पहुंचाने के लिए जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 6,513 करोड़ 16 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं और उसके बाद कहा जा रहा है कि साल 2036 तक पानी की परेशानी नहीं होगी। बिहार में निर्माणाधीन देश के सबसे बड़े पुल का गिरा हिस्सा। बिहार के सुपौल जिले में निर्माणाधीन देश के सबसे बड़े बकौर पुल का हिस्सा गिर गया। दरअसल पुल के 3 पिलर का गर्डल नीचे गिर गया और इस कारण एक व्यक्ति की जान जाने की सूचना है। वहीं कई लोग हादसे का शिकार हुए हैं। दबे हुए मजदूरों का रेस्क्यू किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पुल के निर्माण में जुटे हुए अधिकारी मौके से फरार हो गए। कई लोगों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने 35 से 40 लोगों के जान जाने का दावा किया। आपको बता दें कि पुल का काम लगभग पूरा हो चुका था। जल संकट के करीब पहुंचा बिहार। कृषि रोड मैप को लेकर बैठक के दौरान वैज्ञानिक और विशेषज्ञों ने कहा था कि साल 2050 तक बिहार राज्य को 1,45,048 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की जरूरत होगी। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड में भूगर्भ स्तर 6 फीट 3 इंच नीचे जा चुका है। 47 नदियों वाले पूर्वी चंपारण में पिछले साल चापाकल तक सूख गए थे। जानकारी के अनुसार प्रदेश में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता घट रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि साल 2050 के आते आते 12,874 मिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल कम पड़ेगा। शिक्षा विभाग ने इंटर के छात्रों को दी बड़ी राहत। बिहार में शिक्षा विभाग ने इंटर के छात्रों और छात्राओं को बड़ी राहत दी है। दरअसल साल 2024 और 25 सत्र के लिए विभाग ने फैसला लिया था कि इंटर की पढ़ाई कॉलेजों में नहीं होगी, स्कूलों में ही पढ़ाई होगी। वहीं छात्रों और छात्राओं के विरोध के बाद विभाग ने छात्रों को राहत दिया है और इंटर की पढ़ाई कॉलेजों में भी करवाने का फैसला ले लिया है। डिग्री महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई जारी रहेगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया और अब 11वीं और 12वीं में नामांकन के लिए OFSS के पोर्टल पर डिग्री महाविद्यालयों का भी ऑप्शन मिलेगा। बिहार दिवस आज, दुनिया को इस राज्य ने गणतंत्र से लेकर शांति का दिया संदेश। 22 मार्च को आज सभी बिहार दिवस मना रहे हैं। राज्य 112 साल का हो चुका है। 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो जाने के बाद इस राज्य ने एक स्वतंत्र पहचान बनाई है। इस प्रदेश का इतिहास काफी समृद्ध है। इस राज्य ने दुनिया को सबसे पहले गणतंत्र दिया था और इसी धरती से भगवान बुद्ध और महावीर ने सभी को ज्ञान और शांति का संदेश दिया। भगवान महावीर को इस धरती से ही मोक्ष मिला था। इस धरती से महर्षि वाल्मीकि ने
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से सभी को अवगत कराया। इसी राज्य में दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा स्थित है और महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की ये भूमि है। ये चाणक्य की कर्म भूमि है। इसी धरती पर जन्मे महर्षि सुश्रुत ने चिकित्सा जगत में दुनिया को सर्जरी से अवगत कराया था। ये गणित और विज्ञान दोनों में ही अव्वल रहा है। साहित्य से लेकर विज्ञान में इस राज्य का योगदान है। बिहार में विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले की ईडी करेगी जांच। बिहार में एनडीए सरकार के विश्वास मत के दौरान विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले की ईडी जांच करेगी। इसके बाद कांग्रेस और राजद की मुश्किलें बढ़ सकती है। ईओयू ने ईडी से जांच की सिफारिश की थी और उसके बाद अब पूरे मामले को ईडी देखेगी। बताया जाता है कि ईओयू को इस मामले में अवैध धन के आदान प्रदान से संबंधित प्रमाण मिले थे और इसके साथ ही धन प्रलोभन देकर सरकार को अवस्थित करने, विधायक के अपहरण और मतदान के लिए प्रलोभन के प्रमाण भी मिले हैं। और इसके बाद ईडी से ईओयू की जांच की सिफारिश की गई और ईडी ने मामले को टेक ओवर कर लिया है। आईपीएल 2024 में शाहरुख खान की केकेआर टीम में खेलेंगे बिहार के साकिब। आईपीएल 2024 की शुरुआत हो रही है और इसमें केकेआर की टीम में बिहार के 19 साल के साकिब हुसैन खेलते नजर आएंगे। ये गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं और दाएं हाथ के तेज गेंदबाज है। शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें 20 लाख रुपए में खरीदा है। साकिब का चयन आखिरी समय में हुआ है और ये बिहार के तीसरे खिलाड़ी है जो आईपीएल का हिस्सा बने हैं। इनसे पहले ईशान किशन, मुकेश कुमार को भी ये मौका मिल चुका है। साकिब के बारे में बता दें कि वो महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानते हैं। कभी ये आर्मी की तैयारी के लिए स्टेडियम में दौड़ लगाया करते थे। केके पाठक के आदेश पर राज्यपाल ने उठाया सवाल। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश पर सवाल उठाए हैं। दरअसल सरकारी स्कूलों में 3 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहने वाले बच्चों के स्कूलों से नाम काट दिए गए हैं और इस मामले में राज्यपाल ने कहा है कि आज हम शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात कर रहे हैं लेकिन आज भी प्राइमरी स्कूलों के बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। स्कूल नहीं आने पर बच्चों के नाम काट दिए जा रहे हैं, तो ऐसा करने से क्या स्कूलों में बच्चे आने लगेंगे? ये गर्व की नहीं बल्कि शर्म की बात है। बड़ी संख्या में दाखिला लेने के बाद बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। बिहार बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट से पहले कई छात्रों को बुलाया पटना। बिहार बोर्ड ने 12वीं के रिजल्ट के पहले कई छात्रों को पटना बुलाया है। बताया जाता है कि कई छात्र व छात्राओं का इंटर की परीक्षा से पहले इंटरव्यू लिया जा रहा है। एक एक परीक्षार्थी का 1 से 2 घंटे तक साक्षात्कार लिया जा रहा है और मुजफ्फरपुर से कई छात्रों को पटना बुलाया गया। यहां उनसे सवाल किए गए। जानकारी के अनुसार पटना बुलाए गए छात्र और छात्राएं जिला या राज्य स्तर पर टॉपर्स की सूची में शामिल हो सकते हैं। करीब 5 दिन पहले इन छात्राओं का प्रैक्टिकल की कॉपियां भी मंगवाई गई थी और उसके बाद अब इन्हें पटना बुलाया गया है। इसके बाद जल्द ही रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है। पुलिस ने चोरी की 17 बाइक समेत सैकड़ों लीटर शराब किया जब्त। बिहार के गोपालगंज जिले के जादूपुर थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ छापेमारी कर 17 चोरी की बाइक और 500 लीटर शराब बरामद किया गया है। होली और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। वहीं पुलिस की कार्रवाई के दौरान शराब के तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे। गुप्त सूचना के आधार पर सदर SDPO के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ था। गठित टीम में SDPO प्रांजल, जादूपुर थाना अध्यक्ष समेत भारी मात्रा में पुलिस बल और CPF के जवान शामिल थे। इन्होंने शराब को जब्त किया है और तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। चुनाव प्रचार के लिए राजद का हेलीकॉप्टर पहुंचा पटना। जानकारी के अनुसार जदयू, भाजपा, लोजपा, रामविलास, हम, कांग्रेस और राजद सभी हेलीकॉप्टर से चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगे और लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए चुनावी पार्टियों के बीच हेलीकॉप्टर की मांग बढ़ चुकी है। राजद का एक हेलीकॉप्टर पटना पहुंच चुका है। वहीं इसका किराया प्रति घंटे 5 लाख रुपए है। बिहार में 13 हेलीकॉप्टरों से चुनाव प्रसार होगा और इसमें भाजपा के 8, जदयू और राजद के 2-2 और कांग्रेस के 1 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। राजद और जदयू की ओर से इसके लिए पटना में बुकिंग भी की गई है। वहीं बताया जाता है कि जदयू एक अन्य हेलीकॉप्टर की बुकिंग करने की तैयारी में है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर गिरिराज सिंह ने दिया बयान। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया है।
उन्होंने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा है कि वो संवैधानिक पद पर रहते हुए कानून की अवहेलना कर रहे थे। 10 समन मिलने के बाद भी उन्होंने कानून का सम्मान नहीं रखा और हाई कोर्ट चले गए। इसके बाद कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। अब उनकी गिरफ्तारी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन की उपज थे। अन्ना हजारे के नाम पर ही इनकी छवि बनी और उसके बाद उन्होंने इसे भी तार तार कर दिया है। इन्हें इसका परिणाम निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर लालू यादव ने दी प्रतिक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मालूम हो कि भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद लालू यादव ने कहा है कि लाचार मोदी सरकार लोकतंत्र को तार तार करती आई है और करती रहेगी, इनका जाना तय है, इसलिए इनमें भय है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सभी दिल्ली की अति लोकप्रिय सरकार के साथ खड़े हैं। हम डरने वाले नहीं बल्कि मिलकर जीतने वाले लोग हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। आईपीएल मैच का दर्शक मुफ्त में भी ले सकेंगे आनंद। आज से आईपीएल 2024 की शुरुआत होने जा रही है और पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। सीएसके बनाम आरसीबी के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में मैच होगा। वहीं इतिहास की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच अब तक 31 मैच खेले गए हैं। इसमें 20 मैच सीएसके की टीम ने जीते हैं, वहीं आरसीबी की टीम ने 10 मैच अपने नाम किए हैं। एमए चिदंबरम स्टेडियम में सीएसके का आरसीबी के खिलाफ रिकॉर्ड बरकरार है। इस मैदान पर सीएसके की 7-1 से बढ़त है। वही मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फ्री में जियो सिनेमा ऐप पर देखा जा सकता है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नीरज कुमार यादव, सादुल्ला पालवी, राजकिशोर महतो, मनोज कुमार, जितेंद्र सिंह, रंजीत मिश्रा, नागेंद्र कुमार, गौतम कुमार, अखिलेश मंडल, उमेश ठाकुर, लक्ष्मण शाह, अनुज कुमार, सोनी राम, विद्युत महात्मा, शिवजीत कुमार। उसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आईपीएल 2024 के पहले मुकाबले में सीएसके और आरसीबी में किसका पलड़ा भारी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।